एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कैनेडा स्टूडेंट वीजा लैके कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर वालों कुछ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लैके भी अनाउंसमेंट्स हुई ने। एक बड़ी अनाउंसमेंट जी हुई है कैनेडा च लिविंग एक्सपेंसिज लैके हुई है जिड़े बहुत बदल जा रहे हैं 2024 ऑनवर्ड्स। स्वागत सारा साढ़े एम कैन इमीग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल उपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं लाइसेंस से रेगुलेटेड क्रेडिट इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। एक छोटी जी गुजारिश इस वीडियो शुरू करने तो पहला, अगर साढ़ा यूट्यूब का चैनल तुम हूँ तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब करो। असी बहुत तरह की इनफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस से इसे प्लेटफॉर्म से तुहाडे नाल शेयर करते रहने। कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर वालों अज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जिदे विच इनफैक्ट उन्होंने तीन अनाउंसमेंट्स कीतियां ने। एक स्टूडेंट वीजा के लिविंग एक्सपेंसिज लैके, दो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लैके, पर मैं ज़्यादा फोकस अज इस वीडियो पहली अनाउंसमेंट लैके रखूँगा जिथे लिविंग एक्सपेंसिज GIC जिन्हों आप कहने जी $10,000 पे करनी पैंती सी स्टूडेंट्स नूं हुण तक पहली जनवरी 2024 तो वह डबल कर दी गई है $20,635 है। शायद काफ़ी बड़ी चेंजेस की गई ने, डबल अमाउंट हो गया जिथे स्टूडेंट्स का खर्चा, स्टूडेंट्स के माँ बाप का खर्चा, अगर तुसी SDS जाने हो तो अप्रोक्सीमेट 17 लाख तो लेके 20 लाख के करीब होंगे ट्यूशन फीस में मिला के, हमने वध के 23 लाख तो 25 लाख हो जाऊगा। लिविंग एक्सपेंस $10,000 से पहला जिहड़े GIC के फॉर्म के आप कैनेडा जमा करवाते थे अप्रोक्सीमेट 6.5 लाख के करीब इंडिया च बनते थे, 6,20,000 तो लैके 6,50,000 के करीब, जेडे हुण वध के 13 लाख के करीब हो जाएंगे। सो बहुत बड़ा एक जंप इहदे विच होया लिविंग एक्सपेंसिस दे विच। चेंजेस स्टूडेंट वीजा दे विच एंटीसिपेटेड सीगियां पिछले काफ़ी लंबे समय तो, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार कहते आ रहे थे कि स्टूडेंट वीजा दे विच रिफॉर्म्स होने चाहिए ने, ये चेंजेस होने चाहिए ने। कैनेडा दे विच बैठे हुए बहुत सारे लोग, साडी कम्यूनिटी के लोग ही बहुत बार बार कह रहे थे कि रिफॉर्म जरूरी ने। उहदा वड्डा मुख्य कारण कैनेडा दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स जाते हैं अज्ज दी डेट, क्योंकि ग्लोबली महंगाई बहुत हो गई है, इनफ्लेशन बहुत हो गई है, इकनोमिक स्लोडाउन भी हैगा वा, तो जॉब जल्दी जल्दी नहीं मिलती, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने पैंदे सीगे उत्थे जाके। उह सब तो बड़ा चैलेंज हुंदा सीगा कि अगर आपां नूं लंबे टाइम जॉब नहीं मिलती तो सर्वाइव किदां करना वा। जिहड़ा खर्चा एक टाइम ते $700-800 स्टूडेंट का हुंदा सी, उह वध के हुण $1,200-1,300 हो गया वा, वह भी अगर आपां शेयरिंग बेस ते किस नाल रहने आं, पर मंथ की मैं गल करदा वा। इहनूं सामने रख के ही जिहड़ी है अनाउंसमेंट IRCC ने की है जिथे GIC का अमाउंट हुण डबल कर दिता वा $20,000 तो भी ज़्यादा 1 जनवरी 2024 तो। जिहड़े स्टूडेंट्स हुण 1 जनवरी 2024 तो अपलाई करनगे SDS के अंडर, उन्होंने ये GIC के नवे जिहड़े कानून ने यह लागू होणगे उन्होंने उपर। बहुत बड़ा जंप आ, काफ़ी तकलीफ होगी खास तौर पर वो लोगों को जिहड़े मिडल क्लास में बिलोंग करते हैं, पिंडों चो बहुत सारे बच्चे अपने जाते हैं मिडल क्लास फैमिलीज़ के, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे मिडल क्लास फैमिलीज़ तो जाते हैं कैनेडा के। 18-20 लाख रुपए के सर जाता हों कैनेडा के, जो बच्चा सुपना लै रहा कैनेडा जाने का, हमने अमाउंट बद के 23-25-26 लाख तक चला जाऊगा। चेंजेस जरूरी सीगियां $15,000 तक या $16,000 तक सानू एंटीसपेशन सी कि यह बद सकता वा GIC, ये गल्लां कि पिछले लंबे समय तो हो रही सीगियां, पर जिहड़ा हुण इन्होंने जंप किया वा ये काफ़ी बड़ा वा। इहदियां बहुत सारिया पॉजिटिविटीज़ भी ने, नैगेटिविटी सिर्फ यही है कि जिहड़ा आम स्टूडेंट जिहड़ा सोचता सीगा कि कैनेडा जाके मैं पढ़ना वा, वो शायद थोड़ा डिसकरेज हो जाऊगा, उसके माँ बाप के उपर प्रैशर ज़्यादा बन जाऊगा। जिहड़े बच्चे खास तौर पर लोन चक के उधार चक के या कोई अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के कैनेडा आते थे, उन्होंने प्रैशर थोड़ा जहा होर बढ़ जाऊगा। बट पॉजिटिविटी बहुत बड़ी है, मुकाबले स्टूडेंट्स को बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पैंदे सी कैनेडा दे विच जाके, खास तौर पर जिहड़े प्लस टू वाले स्टूडेंट्स जाते हैं, जॉब्स नहीं मिलती है उत्थे जल्दी जल्दी, पार्ट टाइम थोड़ा जिहा टाइम लगता वा जॉब लैण नूं, और महंगाई अगे नालों काफ़ी हो गई है। उस रेंट खास तौर पर जो रेंट आ वह काफ़ी वध गया अज की डेट के, जो रेंट आम तौर पर एक कमरे का $700-800 हुंदा सीगा, वो बद के हुण $1,200-1,300 से चला गया वा, तो काफ़ी बड़ा जंप उद्दे आ गया। खाण पीण की चीज़ा भी काफ़ी महंगी हो गई, आप सारे पास देखते हैं, इंडिया भी देखते हैं कि काफ़ी महंगाई हो गई अगे नालों। सो यदा बहुत बड़ा जिहड़ा एक आप कह लिए उल्टा असर स्टूडेंट्स उपर पैंदा सीगा, खास तौर पर उन्हां दी हैल्थ दे उपर, उन्हां दी साइक दे उपर, क्योंकि जब स्टूडेंट उत्थे जांदा सीगा उन्हूं नहीं समझ पाते सीगे कि मैं खर्चे किन्ने कर रहे हैं, पर उत्थे जाके जिहड़े GIC दे पैसे सीगे उहदे नाल उहदा गुजारा जल्दी जल्दी नहीं हुंदा सीगा। सो काफ़ी स्ट्रगल करनी पैंदी सी स्टूडेंट्स नूं, ते इह स्ट्रगल हुण थोड़ी जिही घट जाऊगी स्टूडेंट्स दी, क्योंकि उन्हां कोल जिहड़ा अमाउंट आ उह ऑलमोस्ट डबल अमाउंट होगा, जिथे पहला $650-700 महीने दे मिलदे हुंदे सी बैंक वल्लों, अज्ज दी डेट च उह $1,400-1,500 हुण मिलिया करनगे आई सपोज़। सो एक बहुत बड़ी मेजर चेंज हैगी है,
इतना जरूर हिट तो बहुत होगा, खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, बट इन ए सेंस से बहुत चंगा वा क्योंकि स्टूडेंट्स लिए काफ़ी सिक्योरिटी हो जाऊगी अगर उन्होंने लंबा समा कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, एटलीस्ट उन्होंने कोई इन्ने पैसे होंगे कि वह आपका सर्वाइवल कर पाएंगे कनाडा के आके। इतने मैं एक बहुत बड़ी गल थोड़ी भी दस देवगा कि बहुत सारे स्टूडेंट अज भी मिसगाइड होकर कनाडा जाते हैं जिथे उन्होंने उदा के कॉलेज इन्हों को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं है। प्लीज़ मैं बार बार ये गल कहना हूँ उदा के कॉलेज बिल्कुल ना जाओ। जिहड़ा फी आफ्टर वीज़ा वाला कंसैप्ट है तो जिन्ना बच सकते हो बचो। ये हुण जिहड़ा पहला तुहाडे कोल 15 लाख रुपए ठगे जाते सी हुण 30-35 लाख रुपए ठगे जाएंगे। सो इस गल का बहुत खास ख्याल रखो, इदा के कॉलेज ना जाओ। कोई फी आफ्टर वीज़ा वाला जिहड़ा ठेका वे ना करो, इहदे नाल बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं तकलीफ हुंदी आ और बहुत स्टूडेंट्स तंग हुंदे ने कैनेडा दे विच जाके। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी कुछ चेंजेस लैके आंदी ने उन्होंने, एक तो जी एक्सटेंशन से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जी दो बार दिती गई थी, इनफैक्ट 3 बार दिती गई थी, हुण बंद कर दिती उन्होंने कि अगे नहीं मिलेगी। और जो ऑनलाइन पढ़ाई होंगी सी स्टूडेंट्स अद्धा प्रोग्राम अपना ऑनलाइन कर सकते थे, वो 31 दिसंबर 2023 तक सीगा, वो बधा के हुण 1 सितंबर 2024 तक करता वा। मीनस कहना मतलब अद्धी पढ़ाई आप ऑनलाइन हुण 1 सितंबर 2024 तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी अपन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लैन कोई तकलीफ नहीं आऊगी। साढ़े को मई इनटेक ऑप्शन स्टिल हले अवेलेबल ने कुछ जगह, तो सितंबर इनटेक बहुत जगह पर खुल गया वा। फरदर कोई इनफॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई आपकी ऑफर लैटर अप्लाई करना चाहते हो, जरूर सानू कंसल्ट कर सकते हो। असं बड़े लंबे समय तो इस फील्ड काम कर रहे हैं, जिदा मैं तुम्हें दसिया मिसगाइडेंस बहुत हैगी है, मार्केट के स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ होंगी है। इनश्योर करो कि तुहाडा कंसल्टेंट हो लाइसेंस कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हो, नंबर साढ़े सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। थैंक यू।